नमस्कार, मैं रचना सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। गहमागहमी के बीच आज आखिरकार लोकसभा स्पीकर पद का चुनाव हो गया। जी हां, 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दौरान आज नए लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला को दोबारा लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया है। उन्हें ध्वनि मत से लोकसभा अध्यक्ष चुना गया, जिसका विपक्ष ने भी विरोध नहीं किया, जिसके बाद पीएम मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी उन्हें आसन तक लेकर गए। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि स्पीकर का चुनाव मत के आधार पर होगा। विपक्ष ने भी ओम बिरला के सामने अपने नेता के सुरेश को मैदान में उतारा था। दोनों ने बीते दिन नामांकन भी किया, लेकिन आज चुनाव के दिन सर्वसम्मति और ध्वनि मत से ओम बिरला का स्पीकर पद के लिए चुन लिया गया उन्हें। और ऐसे में ओम बिरला के नाम पर विपक्ष का विरोध ना करना मोदी सरकार के लिए भी किसी सरप्राइज से कम नहीं है। देखिए, ओम बिरला एक बार फिर लोकसभा के स्पीकर बन गए हैं। उन्हें ध्वनि मत से स्पीकर चुना गया। बताते चले कि एनडीए ने राजस्थान के कोटा से तीसरी बार सांसद ओम बिरला को अपना प्रत्याशी बनाया था, जो चुनाव जीत चुके हैं। वही विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने केरल के मवेली कारा से 8 बार सांसद कोडी कुन्निल सुरेश को मैदान में उतारा था। उम्मीद यही की जा रही थी कि विपक्ष वोटिंग की मांग करेगा और फिर पूरी प्रक्रिया के तहत मतदान होगा, लेकिन अचानक ट्विस्ट तब आया जब ध्वनि मत से बिरला को अध्यक्ष चुने जाने पर विपक्ष ने वोटिंग की मांग ही नहीं रखी और इसे मान लिया, जिसे देख एनडीए भी हैरान रह गया। वहीं पीएम मोदी ने दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने पर ओम बिरला को बधाई दी। आपको बता दें कि कोटा से तीसरी बार के सांसद ओम बिरला ने दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनकर इतिहास रच दिया है। लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले वो दूसरे शख्स हैं। उनसे पहले कांग्रेस नेता बलराम जाखड़ 9 सालों तक स्पीकर रहे थे। अब गौरतलब है कि ये जानकारी पहले ही सामने आई थी कि विपक्ष वोटिंग के लिए दबाव नहीं बनाएगा। अगर ध्वनि मत से चुनाव परिणाम आ जाता है तो उसे मान लिया जाएगा। दरअसल कल रात मल्लिकार्जुन खड़गे के घर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी। बैठक में रामगोपाल यादव और कुछ अन्य नेताओं ने यह प्रस्ताव रखा था। नेताओं का कहना था कि इंडिया गठबंधन के पास संख्या बल नहीं है। वहीं इंडिया गठबंधन के कुछ सांसद गैर हाजिर भी रहेंगे। ऐसे में अगर वोटिंग हुई तो इंडिया गठबंधन की संख्या और कम दिखेगी, जबकि एनडीए संख्या बल में बेहद मजबूत दिखेगा। इसी के चलते विपक्ष ने चुनाव की मांग नहीं की और ओम बिरला को स्पीकर पद के लिए स्वीकार कर लिया। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।